तारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। हाँ। अब पूछो अपने सवाल। प्रोफेसर, क्या आप चंदा मामा के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? चंदा मामा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अगर तुम चाहो तो तुम सब चंदा मामा पर सैर करने भी जा सकते हो। है? क्या सच में? पर कैसे? आओ दिखाता हूँ। हाँ? ये इतनी बड़ी चीज क्या है? चलो चलो छत पर चलकर देखते हैं। जाने के लिए तैयार हो? दिखती है। मेहरबान कदरदान साहिबान, बच्चों के लिए लाया मैं कहानियों का खजाना। मेरे बायोस्कोप में देखो सिकंदर और राजकुमारी का फसाना। मेहरबान कदरदान। यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो। वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी
मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। अभी सारे बच्चों को बाहर निकालो और अपना बायोस्कोप लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते, और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा। मैं तो अंदर जाऊंगा पर तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। क्या तुमने यहाँ मेरे दोस्तों को देखा? भीम, मैं शौर्य हूँ और हम सब तमाशी लाल की बनाई हुई दुनिया में फंस गए हैं। कालिया, तुम, पत्थर, बाकी सब कहाँ हैं? चुटकी तो उस महल में कैद है। मैंने सुना है उस महल की रखवाली एक बहुत बड़ा शैतान करता है। मैं उस शैतान की चटनी बना दूंगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल, वो कहाँ है? Thank you.
जादू तू ऐसा कर जादू जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर वो तो मैं ही हूँ, सब कहते हैं कि मैं। मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या, तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू जो मैं चाहूं मैं बन जाऊं। सुनो। जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो।
शुक्रिया भी। महाराज हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था। तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। क्या सब रेस के लिए तैयार है? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू भोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भी तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया, मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए। हो गया दोस्तों। देखना मेरा खेल। खिलौने वाला।
खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। काम चोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? डोलू सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरों, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ, क्या कहते हो, किस्मत आजमाएं? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? बेटा, तुम लोगों को कैसा खिलौना चाहिए? सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ, ले लो अपने खिलौने। की दुनिया कितनी मजेदार है। चाचा वो क्या है?
टॉयलैंड का सबसे खास खिलौना। खिलौना भीम। चलो ढोलकपुर। ये सब हमारी गलती है भीम। नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं, ये सब उस खिलौने वाले ने किया है। भीम, भीम उस बुरे खिलौने वाले ने महल पर हमला कर दिया है। चलो दोस्तों। जैसा बना दो वरना। छुपी खेलें? वो तो हम रोज खेलते हैं, क्यों ना हम राजा मंत्री चोर सिपाही खेलें? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम तुम सिपाही बन जाओ, चुटकी तुम मंत्री बनोगी, राजू और जग्गू चोर, और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी, क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। हमें इस तरह कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो फिर उसे भी हमारे खेल के बीच में नहीं आना चाहिए था। आओ चलो। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाए। माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा।